दोस्तों, Ifactner.com के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे इंग्लिश के वर्ड आह का मीनिंग हिंदी और उर्दू में, और साथ ही साथ बनाएंगे 3 सेंटेंसेस ताकि हमें आह का यूसेज अच्छे तरीके से करना आ जाए। आखिर में करेंगे एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का Ifactner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। वर्ड आह का मीनिंग आह होता है, जिससे हम कहते हैं उफ आह। यहाँ पे जो हमने सेंटेंसेस बनाए, आह आई मिस हर, आह मैं उसे मिस करता हूँ, वो मुझे याद आती है, आह आई मिस हर। इसी तरह कोई आपको धोखा दे तो आप कह सकते हैं आह हाउ कैन यू डू इट, ओह तुम ये कैसे कर सकते हो, आह हाउ कैन यू डू इट। इसी तरह आह आई मिस द ओल्ड डेज, आह मैं पुराने दिन मिस करता हूँ, मुझे पुराना ज़माना याद आता है, आह आई मिस द ओल्ड डेज। तो हमने देखा इंग्लिश के वर्ड आह का मीनिंग आह होता है, सेंटेंसेस हमने बनाए आह आई मिस हर, आह हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू डू दिस टू मी, और आह आई मिस द ओल्ड डेज। एक्सरसाइज के तौर पे आप इंग्लिश के वर्ड आह को यूज़ करते हुए एक छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि वो ठीक है या नहीं। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। ये ट्यूटोरियल और ऐसे बहुत से ट्यूटोरियल्स आप Ifactner.com पर भी देख सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अनटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, गुड डे।